हाँ तुषार जी, आप अपने साथियों का परिचय कराइए। मेरे साथ है रवि भाई और अबीर भाई, ये हमारे मिसेस इंडिया यूनिवर्स की टीम है, सपोर्टर्स हैं। इनके बिना ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, और आगे भी जो हम 2020 हम करने जा रहे हैं तो इन्हीं का ही सपोर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दो शब्द आप बोले इस शो के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग तुषार को, अर्चना को हम कंग्रेचुलेशन देना चाहेंगे कि इतने सक्सेसफुल इवेंट्स ये लोग बैक टू बैक करते आ रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सबसे अच्छी चीज़, जितना मैं तुषार को जानता हूँ, जो स्टार्टिंग इसने किया था अपने पेजेंट्स को लेके, तो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़े लेवल पे जाके ये चीज़ों को अच्छा कर रहा है। तो प्रे टू गॉड कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे हमारा भाई और ऐसे आगे नई नई चीज़ें करता रहे। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा तुषार से, अभी भी जस्ट जब मैं पीछे खड़ा था तो मेरे को दिमाग में आया कि ये मिसेज वाले इवेंट तो करता है, क्यों ये मिस्टर वाले इवेंट करे? मतलब शादीशुदा आदमियों वाले भी करने चाहिए इसको, तो एक बार सोचना चाहिए आपको। उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि क्यों भैया, मिसेस का इवेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हीरो रहते हैं। अच्छा, अब मिस्टर लोग का करेंगे तो उसमें खुद ही इनको इतना परेशान करते हैं कि भैया तू भाग जाओ जयराम जी, क्योंकि सर 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 जैसे सर आओ ना, इधर तो आओ सर, मतलब अभी सर है, मतलब अभी भी यंग है, इतनी एनर्जी है सर में जिसकी हद नहीं है, तो सर के लिए भी एक प्रेजेंट होना चाहिए ऐसा, राइट? करेक्ट, है ना? तो मैं यही चाह रहा था सर, अंकल इंडिया, अंकल इंडिया, मिस्टर इंडिया, तो ऐसे प्रेजेंट भी होना चाहिए, उस पर भी सोचेंगे। हाँ, और बाकी नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट इस बार से बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत बड़ी जगह पे है और कुछ नया है, तो इस बार हम लोग लाइव हो गए सर। और रवि सर आप बताइए। मैं बेसिकली इस फिल्म इंडस्ट्री में 18 साल से काम कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तुषार जी के साथ जुड़ करके, पहले तुषार जी हुए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो भी इवेंट्स है जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। अभी जो मेरी एक फिल्म चल रही है, अभी हम लोगों ने एक बड़े डायरेक्टर और एक्टर को साइन किया, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसमें इनके इवेंट के थ्रू जितने भी टैलेंटेड, वैसे तो सभी टैलेंटेड है, जो भी मोस्ट ऑब्वियसली ऑडिशंस लेंगे उसके बाद जो भी जितने विनर्स हैं उनमें से ऑडिशंस लेंगे जो भी रहेंगे, तो उनको हम लोग अपनी फिल्म में चांस देंगे। और एक मैं बता देता हूँ, इनकी एक विनर है त्रिशा बी तोमर। एक शो ऑलरेडी वो शॉर्टलिस्टेड हुई हैं, जिनके लिए कल में भी शायद उनका साइनिंग है, तो त्रिशा बी जो है एक शो कर रही हैं, मैं चैनल डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन सा कर रही हैं, तो कल उनका एग्रीमेंट, तो उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच।